प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लिया अब जलने का वक्त आ रहा है अपने अपने स्ट्रेचर पर लेट जाइए बाद में ना कहना बताया नहीं और ट्रीटमेंट नहीं किया बेवकूफों वाली बातें करते हैं बाबर आजम का कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के साथ वो भाई विराट कोहली का कंपैरिजन अगर किसी के साथ करना है ना तो उससे पहले एक काम करना उसके बाद मैं बताता हूं क्या बोला है पहले हाथ धो लेना फिर कान पकड़ना फिर विराट कोहली का जो कंपेरिजन करोगे आप वो बाबर आजम से नहीं करना वो करना रिचर्ड से और सचिन तेंदुलकर से इन प्लेयर के साथ विराट कोहली का कंपैरिजन करना बाबर आजम विराट कोहली के आसपास भी नहीं बल्कि दूर दूर तक नहीं आइए अब इसी बंदे के हाथ धुलवाते हैं इसी बंदे के कान पकड़वाते हैं और इसी बंदे की बातें इसी के मुंह पर मारते हैं भी साथ में भेजते हैं आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना क्योंकि अब आई स्टार्ट है अब ऐसी बातें करेगा ये क्योंकि पहले बाबर आजम स्टार थे क्योंकि वर्ल्ड कप था पाकिस्तान का पहले पाकिस्तान से व्यूअरशिप चाहिए थी अब आईपीएल से व्यूअरशिप चाहिए पहले हाथ धो लेना फिर उसके बाद कान को हाथ लगाना बाबर आजम फेब वन अकेला ही काफी है और कोई मुझे आगे ये ना कहे स्पेशली इंडिया से कि कंपैरिजन नहीं करना बाबर आजम का विराट कोहली के साथ या जो रूट के साथ कंपैरिजन तो हम करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे इस ज्ञानी बाबा बिचारे को बोलने दीजिए क्योंकि अभी तकलीफ बढ़ने वाली है रुकने वाली नहीं है या पाक, इसके से इसी का अकाउंट डिलीट करवा दे इंटरनेट क्या मिल गया कुछ भी पोस्ट करेगा वक्त बदल गया दिन बदल गए कैप्टन बदल गए खिलाड़ी बदल गए वजी आजम बदल गए पाकिस्तान के पाकिस्तान के कोचिस बदल गए पाकिस्तान के चेयरमैन बदल गए बदले तो ये लोग नहीं बदले ये लोग वही पर अड़े हुए हैं सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बावजूद भी ऐसी बातें करते हैं नेगेटिव पॉइंट कोई ढूंढ कर लेके आते हैं कभी भी पॉजिटिव पॉइंट आप लोगों ने कभी भी इन लोगों के मुंह से नहीं सुना होगा बाबर आजम के हक हाँ में हमेशा नेगेटिव पॉइंट ढूंढ कर लेकर आते हैं बाबर आजम के पॉजिटिव पॉइंट को हमेशा छुपाते हैं मैं आपके सामने डाटा रखूंगा कुछ कि आप लोगों को पता चलेगा बाबर आजम की कैप्टेंसी में क्या कुछ अचीव किया पाकिस्तान ने बाबर आजम की कैप्टेंसी से पहले नेवर वन अर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट इंडिया लेकिन बाबर आजम ने यह करके दिखाया बाबर आजम की कैप्टेंसी ऐसी पहले एशिया कप के फाइनल तक नहीं पहुँचे पिछले आठ सालों ऐसी लेकिन बाबर आजम पहली बार फाइनल में पहुँच गए बाबर आजम की कैप्टेंसी से पहले टी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेल सके थे नौ साल हो गए थे हमें बाबर आजम की कैप्टेंसी से पहले सिर्फ हम 2009 में वर्ल्ड कप के फाइनल में गए थे टी ट्वेंटी सिर्फ बाबर आजम ही लेकर गए हमें कोई भी ऐसा कैप्टन नहीं ना कोई इवन प्लेयर जिसने टू प्लस रन चेज किया हो टी में ये सिर्फ बाबर आजम की वजह से हुआ ओडीए सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ये सिर्फ बाबर आजम ने ही हराया उन लोगों को इन साउथ अफ्रीका Two not. And it's 17 ज against साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल T20 international. 2011 के बाद हमने न्यूजीलैंड से कोई सीरीज नहीं जीती थी ओडीआई ये सिर्फ बाबर आजम ने ही करके दिखाया First home series होम against Australia since 19. ऑस्ट्रेलिया में जाकर को T20, वो किया। पहले कोई भी ऐसा कैप्टन नहीं था लेकिन ये सब चीजें इन लोगों को नजर नहीं आती बाबर आजम की कैप्टेंसी के स्टैट्स भी आप लोगों के मैं सामने रखूंगा कि बाबर आजम की कैप्टेंसी के कैसे बेहतरीन स्टैट्स है बाब, लेकिन इन लोगों के जुबान से क्या निकलेगा कि वर्ल्ड कप नहीं जीते

और जो बाहर बैठकर एक्स क्रिकेटर है जो करंट क्रिकेटर है वो बाबर आजम को लेजेंड मानते हैं बाबर आजम की तारीफ़ें करते हैं उनको पता है बाबर आजम कितना बड़ा स्टार है लेकिन इन लोगों को, को नजर नहीं आता नॉट से कैमरा बट आई नियर ट्राइ एंड इतना हाँ तू ट्वीट कर दे जो थोड़ा बहुत चांस भी है वो भी मोए यकीन मानो इस बंदे ने यहां भी अपनी दुश्मनी ही निकाली इसने इसलिए ट्वीट किया कि कि वक्त से पहले मैं ऐसा ट्वीट कर दूं ताकि बाबर आजम के बारे में सोचा भी ना जाए क्योंकि मेरी इतनी गंदी जुबान जो है यू आर द मीडिया बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट बाबर आजम इफ यू स्टॉप टॉकिंग अबाउट बाबर आजम पॉजिटिव और नेगेटिव नो वन इन्वाइट यू इन दियर शो ओनली बाबर आजम इज दोर्स ऑफ इनकम अर्निंग फॉर यू बाबर आजम अभी कैप्टन बना नहीं लेकिन जट का पहले से शुरू हो गया इससे आप लोगों को साफ अंदाजा हो रहा है पहुंच रहे हैं इन लोगों को मैं चाहता था कि बाबर आजम की जगह मोहम्मद रिजवान कैप्टन बने लेकिन मुझे ऐसा फील होता कि बाबर आजम कोई कैप्टन बनना चाहिए जैसे बाबर आजम अपनी बैटिंग में इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं इन हेटर्स को जवाब देने के लिए ऐसे ही लगता में भी आएंगे। बाबर टी कप हमें जिता सकता है इनशाला है और मिर्च मसाला इन लोगों को मजीद लगे अपने नाम के आगे इसने जट लिखाया हुआ है जट तो बड़े सीधे साधे होते हैं लेकिन इसको देखकर लगता नहीं है एक जट भी है ऑलमोस्ट विनिंग सिक्सटी परसेंट है बाबर आजम के टी ट्वेंटी में और ये भाई साहब बोलता है कि बाबर आजम एक फ्लोप कैप्टन है ये जो सरफराज अहमद ने विकेट पकड़ी हुई है ये इन जैसे लोगों के लिए पकड़ी हुई है पाकिस्तान में किंग कौन है ये सब लोग जानते हैं पाकिस्तान में सिर्फ दो ही किंग है मैं बात कर रहा हूं सिर्फ बाबर आजम के बारे में लेकिन लोग बाबर आजम के बारे में क्या कहते हैं कोई कहते हैं कौन है किंग मैदान में टीम नहीं है, ये कौन सा ऐसा है जो चाहेगा अपना बेस्ट देते हैं लेकिन इन लोगों को बेस्ट नजर नहीं आता बाबर आजम से दरख्वास्त है ये दोनों टीम में शामिल हो तो चुके हैं इन लोगों को फारिक वक्त में एक बार बेहस्ट तो जेल जाओ ताकि ये सुकून से सो जाए बाबर आजम को इतना अगर टाइम दिया जाता पीछे से ये प्रेशर ना होता इन लोगों की गंदी गंदी बातें ना होती बाबर आजम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं उनकी चैट लीग हो रही है बाबर आजम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं पीछे से स्टार्ट हो रहा है बाबर बाबर आजम आजम की कैप्टेंसी खतरे में सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए पीछे से क्या हाल किया पाकिस्तानियों ने आप लोग ये सब जानते हैं बाबर आजम के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे मीडिया पर कितना बुरा प्रोपगंडा स्टार्ट किया हुआ था लेकिन कोई जो पाकिस्तान टीम में शामिल थे वो लोग भी बाबर आजम का साथ नहीं दे रहे थे जो सही प्लेयर होगा जो सही क्रिकेट सेंस रखेगा जो सही एनालिसिस करता है वो एक बंदा भी मुझे उठाकर बता दे कि बाबर आजम का यहां पर कसूर था सभी लोग ये बोल रहे हैं कि बाबर आजम जो ओडीए वर्ल्ड कप हारा है उसमें ज्यादा कसूर बॉलर का है बॉलर्स इतने ज्यादा रन खा रहे थे दूसरे बॉलर्स इतना इतना टर्न कर रहे थे पिच पर लेकिन जब पाकिस्तानी बॉलर्स करवा रहे थे गेंद यहां पड़ती थी यहां से सीधी निकल जाती थी एक परसेंट भी टर्न नहीं नहीं हो रहा था पता नहीं। लगता बाबर आजम की कैप्टेंसी के पीछे पड़े हुए थे इन लोगों की अपनी कैप्टेंसी के लालच था लेकिन बाबर आजम अगर वर्ल्ड कप जीत जाए इससे इन लोगों को फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि बाबर आजम फिर लंबे अरसे के लिए कैप्टन जो हो जाते जैसे ही बाबर आजम की कैप्टेंसी की खबरें मीडिया पर फैल रही है बाबर आजम की कैप्टनसी का सुनकर भी दमाद भी दोनों मीडिया पर आ गए हैं शहनशाहप्टन का कहना अगर मैच हार जाते हैं इसमें कसूर कैप्टन का नहीं होता पूरी टीम का होता है लेकिन शहनशाह अफरीदी अब ये बातें आपके मुंह से निकल रही हैं तब नहीं निकली जब बाबर आजम के बारे में तरह तरह की बातें हो रही थी वर्ल्ड कप में तब आपने आपनेश ऐसा कोई डालकर ट्वीट नहीं किया उस टाइम क्या हो गया था आपको जब बाबर आजम के साथ खड़े होने का वक्त था तब बाबर आज़म के साथ आप खड़े क्यों नहीं हुए? वो भी तो आपका एक कैप्टन था ना तब भी आप एक छोटा वो ट्वीट कर सकते थे ना बोल सकते थे कि बाबर आजम की वजह से हम नहीं आ रहे सिर्फ बोलिंग की वजह से वर्ल्ड कप आ रहे हैं अब सब बातें आपको याद आ रही हैं जब अपने पे गुजर रही है तो और सुशर साहब का ये मानना है कि कोई भी कैप्टन हो उसको टाइम दिया जाए टाइम से पहले कैप्टनसी नहीं हटाने चाहिए यहां तक कह दिया सोशल ने कि जो वाइस कैप्टन है उसको भी रिमूव किया जाए सिर्फ एक कैप्टन हो उसी की अथॉरिटी हो वही सब कुछ फैसले करें लेकिन उसको टाइम भी दिया जाए चाहे वो हार रहा हो चाहे वो कुछ भी कर रहा हो लेकिन क्यों कह रहा है वो ऐसा क्योंकि उसका दबाद कैप्टन है अगर बाबर आजम कैप्टन थे तो बाबर आजम पचास साठ रन कर सकते थे बाबर आजम एक वैच विनर नहीं है बाबर आजम का हमें यह पता है पचास साठ रन करके आ जाएगा लेकिन वो टीम के काम नहीं आएंगे ये सारी बातें होती थी मीडिया पर बैठकर अब कैसी बातें हो रही हैं रंग बदले हैं हमने देखे हैं बहुत सारे लेकिन इससे बुरा रंग बदलते हुए हमने नहीं देखा मिनट मिनट में रंग बदल रहे हैं ये लोग अपने स्टेटमेंट अपने ही हक में दे रहे हैं बाबर आजम की कैप्टनसी के स्टैट सेवेंटी मैचेस खेले जिसमें से जीते फोर्टी विनिंग हारे हैं 23 जस्ट दोस्तों इस पर मैं आपका जानना बाबर आजम कैप्टन बने या नहीं क्या बाबर आजम को कैप्टनसी एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर मोहम्मद रिजवान को बनना चाहिए आप क्या सोचते हैं इस बारे में क्योंकि मोहसन नकवी जो चेयरमैन बने हैं वो चाहते हैं मे बी कि बाबर आजम को कैप्टनसी दी जाए टी वर्ल्ड कप में और बाबर आजम को क्यों कैप्टनसी दी जाए क्योंकि उसके साथ हुई मोहसिन नकवी ऐसे वाहिद जो चेयरमैन बने हैं जिसने फैंस को इकट्ठा किया हुआ है मोहम्मद आमिर को टीम में लेकर आए इमाद वसीम को टीम में लेकर आए आप जो बाबर आजम के साथ ज्यादा हुई थी उसका भी अजाला करना चाहते हैं क्या आप इस पर मुतफ है या नहीं आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा थैंक यू